वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही डिज़ाइनर, अच्छा सुंदर कड़ाव बनाना सिखाएंगे जो कि हम पुरानी बैंगल्स को यूज़ करके बनाएंगे। तो उसमें हमने पुरानी बैंगल, दो बैंगल्स ले रहे हैं और सिल्क थ्रेड लेकर इस तरीके से मैं 20 to 30 राउंड्स आपको लेना है और उसे फैब्रिक ग्लू से आपको चिपकाना है एंड्स को। दोनों एंड्स को चिपकाने के बाद हमें एक एंड को लेकर, जो हमारी एक बैंगल है, उसमें कुछ इस तरीके से चिपका देना है। वो सूख जाए थोड़ा देर तो उसे रैप करना है, और रैप हमें कुछ इस तरीके से करना है कि वो लूज थ्रेड्स लूज ना रहे। टाइटली आपको पूरा बैंगल को रैप करना है। थोड़ा लूज रहा तो वो फिनिशिंग आपकी उतनी अच्छी नहीं आएगी, तो उसे टाइटली हमें रैप करना है। ये बहुत ही सुंदर और अलग तरीके का बैंगल होगा। इसे आप बैंगल्स के बीच में अकेला भी पहन सकते हैं और वैसे भी पहन सकते हैं। और एंड हमारा होने के बाद हमें उसे चिपका देना है। तो इस तरीके से हमने दो बैंगल्स ले ली है। दोनों बैंगल को हमें चिपकाना है पहले ग्लू से। वो सूख जाए तो थोड़े दो तीन 5 से 10 स्ट्रैंड्स लेने हैं हमें सेम कलर के थ्रेड से, और उन्हें कुछ इस तरीके से टाई करना है जैसे हमने रैप किया है, बट थोड़े थोड़े गैप के बाद, जिससे कि वो सिक्योर हो जाएगा और निकलेगा नहीं। यहाँ पर मैं अपने पर्ल बीड्स यूज़ कर रही हूँ, मोती, और स्टोन बीड्स जो आप देख रहे हैं, ये जो चक्री वाले हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आपके पास हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं हैं तो डायरेक्टली आप मोती भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सुई धागा ले लिया है, और यहाँ पर मैं पहले वो बेस बनाने के लिए अपना स्टोन बीड ले रही हूँ, और फिर अपना जो हमारे पास मोती है, और यहाँ पर मैं सीड बीड ले रही हूँ। इस ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा, प्लस जो आप थ्रेड यूज़ कर रहे हैं वो उसमें बहुत इजीली चला जाएगा और वो फिनिशिंग बहुत अच्छी देगा। तो हमें इसे इस तरीके से पिरोने के बाद टाइटली धागे को टाइट रखना है। लूज़ रहेगा तो आपका जो मोती है, पर्ल है, वो थोड़ा हिलना डुलना शुरू हो जाएगा। तो सेम इसी प्रोसेस से, क्योंकि हमने दो बैंगल्स यूज़ की हैं तो उसके बीच में स्पेस रहता है जहाँ हमारी नीडल आराम से चली जाती है। जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि हमारी नीडल आराम से जा रही है। मैं पतली नीडल यूज़ कर रही हूँ, थिन वाली। तो ऐसे हमें पूरी बैंगल को केयरफुली, मैं यहाँ पे सिक्योर करने के लिए जो हमने थ्रेड स्वीप से पिरो दिए हैं उसके बेस को ग्लू लगाकर उसे और सिक्योर कर रही हूँ, ताकि वो थ्रेड जो है ढीला ना पड़े। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको और वीडियो देखनी है सिल्क थ्रेड से रिलेटेड, या टेराकोटा से, या और कुंदन से रिलेटेड, तो मैं उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वीडियोस आ जाएंगी। ये जो बैंगल है आप देखेंगे कि बिल्कुल कॉमन नहीं है, आप पहनोगे तो सबसे यूनिक दिखेगी, और अगर लोगों को पता चलेगा कि आपने खुद बनाई है तो लोग सरप्राइज भी बहुत होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बैंगल को बनाना घर पे। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा टाइम लगता है बट बहुत वर्थ है। सेम प्रोसेस लेकर हमें पूरे बैंगल को कवर करना है। इस तरीके से ये हमारा पूरा बैंगल कवर हो रहा है। ये बैंगल को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसे थोड़ा और डेकोरेट करना चाहूँगी। जो आप देख रहे हैं गोल्डन पार्ट दिख रहा है वहाँ पर, मैं, ये मेरी पर्ल चेन है। आप स्टोन चेन भी लगा सकते हैं, बट स्टोन बीड्स मैंने ऑलरेडी लगा रखे थे तो इसलिए मैं यहाँ पर पर्ल चेन यूज़ कर रही हूँ। ये चेन हमें दोनों साइड्स में लगानी है। तो ये लगाने के बाद तो आपकी बैंगल बहुत ही सुंदर दिखेगी, जैसा कि मैं आपको अभी फोटो में भी दिखाऊंगी। तो इस तरीके से हमारा ये तैयार हो गया है। इसे अच्छे से सूखने दें और ये रेडी है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। बाय बाय।